यूपी के शाजापुर में इन दिनों एक सरकारी नल चर्चा का विषय बना हुआ है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के लाल इमली रोड पर स्थित सरकारी हैंडपंप से कई महीनों से गर्म पानी निकल रहा है। गर्म पानी के निकलने से लोग काफी हैरान हैं, इसे चमत्कार भी मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इस नल में कभी गर्म तो कभी ठंडा पानी निकलता है। दूसरी ओर कई लोग इस नल से करंट लगने की भी बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस नल से कई लोग करंट से चिपक भी चुके हैं। करंट की बात से कई बार नगर निगम और जिला प्रशासन को अवगत कराया भी गया, पर बावजूद इसके प्रशासन बड़े हादसे का शायद इंतजार कर रही है। चलाओ भरने के लिए पानी तो इसमें गर्म पानी निकलने लगता है, जितना चलाओगे तो उतना ही गर्म पानी निकलता है। अच्छा, और कभी कभी इसमें करंट भी आने लगता है। अच्छा जी, कितने दिनों से ये हो रहा है सब? ये लमसम में 2 महीने हो गए। आसपास के लोग तो पता नहीं, हम क्लिनिक खोलते हैं जब यहाँ से पानी चालू होता है तो इसीलिए जब हम भरते हैं तो गर्म पानी निकलता है, करंट भी आता है। जितना चलाते हैं उतना ही गर्म पानी निकलता है।